ये इराक़ की आर्मी अरे यही है बाजू है क्या अरे तो यही कैसर कसरा के महलात थे जो अभी खंडरात नजर आ रहे हैं अभी जो है अंदर जाने का मामला नहीं है अभी हाजी साहब बताए कि पहले वो जब आए थे तो अंदर जा सकते थे तो ये देखिए यहाँ से मेन एंट्रेंस यहाँ का दिख रहा है हजरत नाजीन असल वरह वक्त मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर कदरी फिर से एक बहुत ही खास ब्लॉग के साथ नाजर मैं 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 मौजूद हूँ बगदाद शरीफ़ में तो सूबा बगदाद में एक मुकदस शहर है जिसे मदाइन शरीफ़ कहते हैं यहाँ पर साहब रसूल हजरत सलमान फारसी और ताली की दरगाह शरीफ है तो हज़रत सलमान फारसी और ताली की दरगाह से तकरीबा एक डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर एक मकाम है जिसे कैसर व कसरा कहते हैं आपने इसके बारे में कई सारे वाक़ सुने होंगे वहीं पर अभी हम हाजिर के लिए जा रहे हैं इन तो वहाँ पर जाकर के वहाँ के क्या हालात है वहाँ के क्या वाक़ हैं इन मैं बताऊँगा ये दरगाह दरगाहरत सलमान फारसी रजील्ला तुम की तो यहाँ से देखिए पीछे के रास्ते से हमें बाहर निकलना है यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं अभी तो हमारा काफिला जा रहा है यहाँ पर अभी माशा ये इराक़ की आर्मी अरे यही है बाजू है क्या बना, क्या होता ना, 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 ना नहीं। मुश्किल से दो सौ अढ़ाई सौ मीटर ने, 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 ने। तो दोस्तों देखिए वो हजरत सलमान फारसी की मजार शरीफ का गुंबद है वहाँ से देखिए पीछे के गेट से आते हैं फिर यहाँ से जो है राइट लेके फौरन लेफ्ट लेना पड़ता है तो यहीं पर कैसरा कसरा के महलात और खंडारात अब तो महल नहीं रहा खंडारात नजर आते हैं एक डेढ़ किलोमीटर नहीं सिर्फ जो है 200 से 250 मीटर है आप पैदल आएंगे तो आप पैदल आते हैं तो आपको सिर्फ जो है चार से पाँच मिनट लगेंगे नाजिन तकरीबन आज से 1600 या 1700 साल पहले कैसर और किसरा ये दो हुकूमतें थीं कैसर जो है रोम का बादशाह था किसरा जो है ये ईरान का बादशाह हुआ करता था नाजन किसरा के बारे में बहुत ही मशहूर हैं कि इसका जो ये महल था जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं नाजरीन किसरा का महल कितना बड़ा था इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा लें कि इस पूरे महल में नौ हज़ार सुतून थे हाँ नाजरीन आपने बिल्कुल सही सुना इस महल में नौ हज़ार पिल्लस लगाए हुए थे तो इतना बड़ा फैला हुआ ये किसरा का महल था और हर पिलर पर हीरे और जवाहरात लगाए हुए थे जिससे ये होता था कि जब रात में चांद की रोशनी महल के अंदर आती तो हीरों की वजह से पूरा महल जगमगा उठता था और किसरा बादशाह इतना अयाश था इतनी दौलत उसके पास थी सिर्फ उसने अपनी खिदमत के लिए तीन हज़ार खूबसूरत लड़कियाँ बंदियाँ बना के रखी हुई थी और वो उसको शराब पिलाती उसको खाना खिलाती और इसकी खिदमत में हमेशा रहा करती थी और नाजीन किसरा का खालीन भी बड़ा ही मशहूर है जो वो अपने महल में लगाता था और उसी खालीन पर किसरा बादशाह का तख्त लगाया जाता था और ये खालीन इतना कीमती था कि कोई भी शख़्स इस पर एक बार बैठ जाता तो वो ज़िंदगी भर इस बात पर फ़्र करता था था कि मैं किसरा के उस खालीन पर बैठा हुआ हूँ तो उतना कीमती खालीन किसरा के बादशाह ने अपने लिए बनवाया था लेकिन जब हज़रत उमर रदी अल्लाह तुकी दौर खिलाफत में अल्लाह के करम से कैसर व किसरा के महिलात और इनकी तमाम हुकूमत मुसलमानों के कब्ज़े में आई तो किसरा का वो खालीन मदीना शरीफ लाया गया तो हज़रत उमर ने उस खालीन को देखा और साहबा ने उसकी तारीफ़ की कि ये बड़ा ही कीमती खालीन है और सारी दुनिया इस कालीन को बड़ी ही इज़्ज़त की निगाह से देखती है क्योंकि ये बड़ा ही कीमती है तो हज़रत तआला ने फरमाया कि हम गुलामा ने मुस्तफा के नज़दीक इसकी कोई औकात नहीं है जाओ इस कालीन को मस्जिद नबवी शरीफ़ के बाहर बिछा दो ताकि कोई भी नमाजी जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आए तो इसी कालीन पर अपने पाँव को साफ़ करके मस्जिद में दाखिल हो जाए अल्लाह अकबर तो नाज़िन अभी जिस खंडरत को आप देख रहे हैं यही वह किसरा का महल था जो कि उस ज़माने में जितना बड़ा था अभी उतना बड़ा मौजूद नहीं है बल्कि उस महल का एक हिस्सा अभी मौजूद है लेकिन ये दीवारें काफ़ी ऊंची हैं नाजिन आपको इस वीडियो में सही से समझ में नहीं आ पा रहा होगा लेकिन काफ़ी ऊंची और काफ़ी मोटी दीवारें उन लोगों ने बनाई थी काफ़ी मज़बूत महल उसने अपने लिए बनवाया था किसरा के इस महल में उन लोगों ने एक हज़ार साल से आग जलाई हुई थी जिसकी वो पूजा करते इबादत किया करते थे हा नाजीन एक हज़ार साल से उन लोगों ने उस आग को बुझने नहीं दिया वो आग लगातार जला करती थी लेकिन जब इस दुनिया में हम सब के आका व मौला हुजूर नबी करीम अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए जब बारा रबी अव्वल को सरकारी दोम सलील्ह वसलम की विलादत मुबारक हुई तो किसरा के इस महल में दरारें आ गई थी हाँ नाजीन किसरा का जो ये मजबूत महल है इसमें दरारें आ गई थी और एक हज़ार साल से जो आग लगातार जल रही थी वो फ़ौर बुझ गई और किसरा के इस महल में जलजला आ गया था और उसी जलजले की वजह से इस महल की दीवारों में दरारें पड़ गई थी जो कि आप आज भी इन दरारों को देख सकते हैं और ये एक इशारा था कि हक आ गया है और बातिल को मिटना है और बातिल मिटने वाली ही चीज़ है और शायर ने क्या ही खूब फरमाया है कि आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा आलम ने रंग बदला सुबह शब विलादत सुबह और उस जलजले की वजह से इस महल में चौदह तंबूरे लगे हुए थे यानी गालिबा उस ज़माने के बड़े बड़े फ़ानूज थे वो फ़ानूस भी बड़े क़ीमती थे और उस जल्जले की वजह से वो भी नीचे गिर कर टूट गए थे नाजिन फिर से आपको क्लियर कर दूँ ये किसरा का महल जो है मुल्क इराक़ में बगदाद शरीफ जो है बगदाद शरीफ ही में एक बहुत ही बड़ा छोटा सा इलाका है जिसे मदाइन कहते हैं तो मदाइन में हज़रत सलमान फारसी रज़ील तू की दरगाह शरीफ के पीछे के हिस्से में ये किसरा के महलात मौजूद हैं जब भी आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ तो यहाँ पर भी आएँ देखें इसको इससे इबरत हासिल होती है और जो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे तो यहाँ पर भी वो निशानियाँ ज़ाहिर हुई थी और एक मिलाद का माहौल था तो ये देख कर के भी हमें जो है ईमान में इजाफ़ा होता है और साथ ही साथ ये भी सबक हमें सीखने को मिलता है कि हम कितने ही अमीर क्यों ना हो जाए कितने ही बड़े ताकतवर या पावरफुल इंसान क्यों ना हो जाए एक ना एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है हमारे बनाए हुए घर हमारे बनाए हुए बंगले हमारी सारी प्रॉपर्टीज यहीं की यहीं धरी रह जाएंगी और हम जाएंगे अल्लाह की बारगाह में अपने आमाल को लेकर के और दिल में इश्क मुस्तफ़ा और इश्क अहल बैत को लेकर के दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें हमारे चैनल ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब भी कर दें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हाफ़िज़ आमिर कादरी के पेज को भी फ़ॉलो कर दें अल्लाह ताला आपको भी मुल्क इराक़ की तमाम मुकद्दस मकामात की हाजरी नसीब फरमाए